है कि अमेरिका बहुत ज़्यादा मॉडर्न है और ये लोग बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव है, ऐसा कुछ नहीं है। अमेरिका में कंजर्वेटिव लोग भी हैं, और वो ऐसा देश है जब जो जिसमें आप जब जैसा आप रहना चाहें आप वैसे रह सकते हैं। तो कोई जजमेंट नहीं है, कोई शेमिंग आपकी नहीं है। जिंदगी हाँ, और बस आप लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करें। अमेरिका में अगर आप लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करते हैं तो आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छे से बीत सकती है। मुझे वहाँ पे, मैंने जॉब्स भी किए, मैंने काम भी किया, सो यू नो इट्स इट्स रियली नाइस स्टेइंग देयर। मुझे वहाँ का ग्रीन कार्ड मिल चुका है, मैं परमानेंट रेजिडेंट हो गई हूँ और शायद कुछ सालों में सिटीजन भी बन जाऊँगी। तो मेरी ये ज़िंदगी है, बहुत ही अच्छी ज़िंदगी है। और ये मैं जब भी इंडिया आती हूँ, मैं आपको बता रही थी, मुझे लगता है कि जब मैं इंडिया आई हूँ, मुझे लगता है कि मैं बिग बॉस के घर में आ गई हूँ। मुझे लगता है ये पूरा देश जो है यही एक रियलिटी गेम शो है, क्योंकि यहाँ पे इतना वैसे बिग ड्राम बॉस चल भी रहा है। चल भी रहा है। हाँ, और हाँ खबरें भी आई थी कि मैं जाने वाली हूँ, जी, तो उसके वजह से मैं कहना चाहूँगी कि मैं ऑलरेडी बिग बॉस में हूँ। मैं ऑलरेडी इस देश में हूँ जो एक रियलिटी गेम शो जैसा ही है। यहाँ पे जो आए दिन कुछ ड्रामा हो रहा है, कुछ नई चीज़ शुरू हो जाती है, कुछ मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है, फिर ऑल दीज थिंग्स। अब जो एंटरटेनिंग। एंड इट्स एंटरटेनिंग फॉर मी, ऑनेस्टली। सोशल मीडिया पे अब लोग मुझे ट्रोल कर रहे हैं, आई एम टेकिंग इट ऑल एज अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट। क्योंकि जब मैं अमेरिका में रहती हूँ तो मेरी ज़िंदगी इतने सुकून से बीतती है कि मैं सुबह उठती हूँ, अपनी चाय बनाती हूँ, बाहर जाती हूँ, बहुत ग्रीनरी है, बहुत सारे बर्ड्स हैं, एनिमल्स, खरगोश और ये एनिमल्स हैं। मैं आई जस्ट स्टैंड देयर लुकिंग एट थैंकिंग गॉड फॉर दिस वंडरफुल लाइफ दैट आई हैव, क्लीन एयर, नो पोल्यूशन, एंड इट्स जस्ट अ डिफरेंट लाइफ एंड यहाँ पे सारा सब हिंदी फिल्मों जैसा, टीवी सीरियल जैसा यहाँ पे ड्रामा हमेशा चल रहा होता है।